सलामुअलैकुम। आज ये जो बीमारी कोविड 19 है न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारी दुनिया के अंदर फैल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इस पर पूरी तौर पर तवज्जो दे रही है और यहाँ पर ये जो स्प्रे किया जा रहा है साफ़ सफाई का इंतज़ाम है और खुसूस कर पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा कि अभी हमारे सीबी साहब ने कहे कि सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो यह है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ़ सुथरा रखिए, बाहर निकलने की जहमत गवारा ना करें। अगर किसी ज़रूरत के खातिर अगर कोई लोग निकलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि मैं भी इसी इलाके का MLA हूं, मैं भी सुबह से शाम तक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूं, मैं ये देख रहा हूं कि बिला ज़रूरत खसूस कर हमारे नौजवान सड़कों पर घूम कर एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे ये बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है, तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप तमाम इन चीज़ों को फॉलो करें। जैसा कि बाहर निकलने के ताल्लुक से सख्ती से पाबंद किया जा रहा है, इस पर आप लोग अमल करें इंशाल्लाह ताला। चूँकि माह रमज़ान भी आ रहा है, आप रमज़ान का भी एहतराम करें अपने घरों में। चूँकि सारे उलमा मशायखीन सारे कायदीन हर कोई हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया जा रहा है कि आप नमाज़ें जो भी हैं और अपने तरावी वगैरह अपने घरों के अंदर पढ़ें, बाहर मस्जिद में निकलकर आप पढ़ने की जहमत ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि खुसूस कर इस बरकत वाले शफ़क़त वाले महीने का एहतराम करते हुए आप इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें। शुक्रिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खासतौर से तेलंगाना में हमारे आनेबल CM साहब ने बहुत प्रिकॉशन लिए। तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। CM साहब हर घंटे हर 15 मिनट को बार बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स तमाम कमिश्नर्स तमाम SPs तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के DG जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमलावरी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुकामी जो MLA साहब हैं, हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब हैं, हम कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खासतौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए, रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ़ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमरीका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया, ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये आवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू होने लिए से 1 हफ्ता बाकी है, आप नमाज घर में पढ़िए, तरावियाँ घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। ख़ासतौर से पुराने शहर में बाज़ एरियों में बार बार लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, कई गाड़ियां सीज कर रहे हैं, नौजवानों को समझाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस लेना ज़रूरी है, अगर एक बार फैल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकना है तो हमें जो हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल करने पर ही हमें इसे रोक सकते हैं। और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बराबर हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं। ख़ासतौर से बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर ना निकलें, एक कोई भी जो 60 साल से ज़्यादा है
उनसे अदबन गुजारिश है वो कभी भी बाहर ना निकले, और जो लोग नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक ही बार निकलने पर आप चाहे मेडिसिन होने आपको या वेजिटेबल होना है या किराने का सामान होना है, बार बार मत निकले। कई नौजवान मोटरसाइकिल पर दो दो लोग बढ़ रहे हैं, आज उसे पाबंदी लगाई जाएगी कि एक ही आदमी मोटरसाइकिल पर निकले ताकि बीमारी को जिस तरह रोकथाम कर सके। यकीनन इस कोरोना रोकना है तो आवाम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम लोग यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से डिसीजन लिए, हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत पहले चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगाया गया था, सीएम साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि एक महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया जाएगा। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें मुकम्मल एक महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उनके अकाउंट में भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हमारी पहली रियासत है, और इसके अलावा जो हमारे पास उनको भी 12 किलो राशन और 500 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें घर में अपनी कोई आदमी भी भूखा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा सीएम साहब का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हमारे स्टेट में कोई आदमी भूखे से न रहे, फाका रहे। बहुत से लोग वॉलंटरी भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन सर्विस दे रही है, ये आवाम के लिए दे रही है, ये पुलिस डिपार्टमेंट अपने लिए नहीं कर रही है, ये दूसरों के लिए अपनी जान का रिस्क लगाकर मुसलसिल लोगों को रोकथाम की जा रही है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि खासतौर से पुराने शहर के भाइयों के, क्योंकि यहाँ के केस की तादाद बढ़ रही है, आप एहतियात कीजिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। यही मेरी अदबन गुजारिश है। जो स्प्रे मारा जा रहा है यकीनन इससे बहुत से जो जरासीम शहर में रोडों पर है, दरों पर है, जहाँ कचरा डालते हैं, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू।